डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कलर किचन सीरीज जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ी है प्रीति सिंघानिया जी, जो योरवे इंटीरियर की ऑनर है और इंटीरियर डिज़ाइन क्षेत्र में काफ़ी सालों से उनका अनुभव रहा है। प्रीति जी, आपका मैं स्वागत कर रही हूँ हमारे स्टूडियो में। और आज जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कलई किचन, कुछ नया कंसेप्ट हमारे पास है और कुछ नया लेके हम लोग आए हैं, वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। और जो जो महिलाएं किचन में काम करती है, जो महिलाएं ज़्यादातर किचन में रह के काम करती है, और जो हाउसवाइफ है वो तो किचन में काम करती ही है, लेकिन जो बिजनेस वूमन है या तो जॉब करती है वैसी वूमन है, उनको शायद कभी कभी किचन में जाने का चांस मिलता है। तो इन सब का मैनेजमेंट और किचन, हेल्दी किचन कैसे रहे, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस जो हमारा कार्यक्रम है कलई किचन सीरीज, उनके हमारे जो सपोर्ट किया है, जिन्होंने सपोर्टेड बाय जो है वो है एट लास्ट किचन, जिनके हम आभारी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप तक पहुँचने के लिए उनका जो सपोर्ट रहा है, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट किचन और उनकी पूरी टीम और उनके जो ऑनर है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरे जो हमारे सपोर्टेड है इस सीरीज़ के, वो है कोर वैल्यू फॉर फर्नीचर, जिनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका भी सपोर्ट हमें इस कार्यक्रम में रहा है और उनकी पूरी टीम का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे सीरीज़ के जो मेन हमारे स्पॉन्सर्स जो है इस सीरीज़ के, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। और प्रीति जी, फिर से आपका स्वागत है। और प्रीति जी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में बताया है, आपके बारे में और भी लोगों को जानना शायद ऐसा लग रहा है लोगों के, जो प्रतिभाव हमें मिले हैं उससे, कि प्रीति जी है कौन, क्या है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं है ना नमस्ते कहती हूँ सभी को, और है ना एग्जीक्यूटिव वेब मीडिया को भी है ना मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है यहाँ पे और कलई किचन सीरीज के लिए। आई ना आई एम द फाउंडर मेम्बर ऑफ योरवे इंटीरियर्स, और हम काफ़ी साल से हम सभी कमर्शियल में, रेजिडेंशियल सब प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें में हम लोग को है ना सहयोग दिया है, जैसे श्याम मंदिर में भी हमारा मिस रहता है सहयोग, फिर बाद में और भी सब जगह पे हमने है ना मिस ये मुंबई है, रांची है, मिस बाहर भी हम लोग है ना साइट्स हमारी चलती रहती है, कमर्शियल साइट्स भी, तो ऐसे हम लोग सब जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स मार्केट और सब जगह पे। एक्सक्लूसिव कुछ ऐसा रहा हो आपके, और कितने साल से आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्षेत्र में है? वैसे है ना मैं कहूँगी कि मेरा मिस आफ्टर पहले हम लोग कर रही थी, फिर बाद में मैंने ब्रेक ले लिया था, एंड आफ्टरवर्स अगेन है ना मैं आई हूँ, आफ्टर 15 इयर्स आई एम कम बैक, और उसका मुझे एक्सक्लूसिव एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन से। जी, तो कांग्रेचुलेशंस, आपको शायद अभी अभी अवार्ड मिला है, मैंने भी देखा है, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन इस अवार्ड के लिए। जी, और ये जो हम कलई किचन सीरीज के हमारे शायद इसमें हम दोनों की ये 3-4 महीने की इसमें मेहनत है, कि एग्जैक्टली ज़्यादातर इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और इसका जो हमें फीडबैक मिला है तो वो प्रीति जी शेयर करेगी पहले, कि इस सीरीज का हमने जब लोगों को बताया कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ ऐसा हमने प्लान बनाया है, ज़्यादातर एग्जोटिक वेब मीडिया चैनल जो है वो ज़्यादातर अवेयरनेस शोज करती है, और जिस तरह से लोगों को हम मदद हो, किस तरह से हम लोगों की मदद कर सके, ऐसे ही शो हमारे चैनल के द्वारा होते हैं, तो ये भी शो हमने खास महिलाओं के लिए ही किया है। तो प्रीति जी, जिस तरह से 3 महीने में हमने जो सर्वे फॉर्म भी हमने निकाला था और जो भी कुछ हमने किया है, तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स मिला है वो पहले हम शेयर करेंगे लोगों के साथ। वैसे कलई किचन, कलई इज अ संस्कृत वर्ड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इट्स रिलेटेड टू द हेल्दी किचन। तो फिर अपने इसके अंदर हमने सब जगह जैसे कितनी वर्किंग है ना वुमेन्स हैं यहाँ पे, उनसे ही मैंने बात की, और यहाँ पे स्पेशली एक
एक आम जैसे कि एक ऑर्डिनरी लेडी की जैसे मैं ना आपसे बात करूंगी, नॉट अ जी डिजाइनर नथिंग एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि जी मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो जी उसके अंदर लॉकडाउन में मैंने कई चीज़ें फेस की थी। वो जी एक्सपीरियंस एक है ना, एक तरह से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इनके साथ मिलके कि यहाँ पे आप सब भी मेरे साथ जुड़े और हम लोग सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होके ये डिसीजन लें कि हम लोग आगे जनरेशन को भी क्या देना चाहते हैं। जी और अभी हम लोग वर्किंग स्टाइल जो है वो है ना, मीन्स काफ़ी तरह से हम लोग को सुधारने पड़ेंगे। अपन ने वेस्टर्न कल्चर जो अपने अपनाए हैं, जो स्टैंडिंग किचन्स हैं, वो सब कुछ, तो सारी चीज़ें हमने मिक्सअप करके जो हेल्थ के हिसाब से भी हमको इश्यूज़ आ रहे हैं जी उनको भी रिलेटेड में ध्यान में रखते हुए ये जी सीरीज़ में डिज़ाइनिंग प्लस अपने खुद के जो हम लोग मॉर्निंग टू नाइट तक हम लोग काम करते हैं उससे जी रिलेटेड सारी चीज़ें, जी और ये सब चीज़ों को कन्विंस करके हुए फिर बाद में हमने जैसे कि बबीता जी से जो नारी एकता की है ना मिस है मैं ओनर है उनसे भी जी मैंने है ना सर्वे किया। जैसे कि हमने एकता जी है एक और हमने वहाँ पे भी है ना सर्वे किया, वो फिटनेस ट्रेनर है। तो इन लोग सबका ये था कि हम लोग का जब ज़्यादा काम होता है तो हम लोग भी है ना मिस नीचे ले लेते हैं अपने सब है जी ना मिस जी स्टोव्स हैं सब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम भी इतने घंटे तक जब फिटनेस ट्रेनर्स भी नीचे जी स्टोव्स लेकर है ना काम करते तो समथिंग इज गोइंग ऑन, यानी बिल्कुल कि अपने जो भी है हेल्थ इश्यूज है, यानी कि जो अपने पूर्वजन थे तो उसके अपने जो बनाए थे उन्होंने जो कुछ भी, तो जी वो फायदेमंद है उसको हमको कैसे कन्विंस करना जी है अपनी लाइफस्टाइल में जी उसको है ना रिलेटेड करते हुए हमने कलई किचन की सीरीज बनाई है। जी ये कलई वर्ड हमने क्यों रखा है? क्योंकि कलई बहुत वर्ड सारे जो सर्वे हमने किए, बहुत सारे, जब से ये हमने अनाउंसमेंट किया है तब काफी लोगों ने हमने पूछा कि कलई क्या है, कलई किचन आपने क्या रखा है। कई लोगों को ऐसा भी लगा कि आप कुछ किचन के अंदर रेसिपी दिखाने वाले हैं, क्या कुछ आप रेसिपी बनाने वाले हैं, क्या कुछ हमें कुछ खाना बनाने के लिए सिखाने वाले हैं, क्या है, तो वो आप बताइए। कलई है, तो आपको मैंने जैसे अभी बताया था कलई इज अ संस्कृत वर्ड, वो रिलेटेड है हेल्थ से, इसलिए हमने कलई किचन है इस करा कि हम लोग हर एक चीज़ का इसके अंदर हेल्दी किचन मैंने सर्वे किए थे, इसके अंदर काफ़ी फॉर्म्स मेरे पास आए हैं जैसे भर के भी, जैसे 30 से 40 जनों ने मुझे है ना वापस से फीडबैक दिया है, जी उन्होंने मुझे बोला है कि किचन इज अ हार्ट ऑफ द हाउस, फिर जी किसी ने बोला पाकशाला, फिर किसी ने बोला मिस के कोऑर्डिनेट एंटरटेनर, मिस जी काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब आए थे मेरे साथ, जी और मुझे बहुत खुशी हो रही कि सबने इसके अंदर उत्साह से है ना भाग लिया, उसके सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने पार्टिसिपेट किया और मुझे सपोर्ट किया और इनको भी सपोर्ट किया कि हम लोग कुछ है ना अपन बैठ के एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकें। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लेडीज़, ये क्लैप है आप लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है, जी जी बिकॉज बिल्कुल यू बिल्कुल डिजर्व इट कि आपने इतना भी है ना हम लोग ने वर्किंग किए बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट्स। तो बिल्कुल अनीता जी भी है, काफ़ी जनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, 10-15 जनों से मैंने डायरेक्टली बातें भी की है, मेरे जी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं, जी उन्होंने बोला सच में एक ऐसा ही टॉपिक है जिस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने नारी है बस अपन ये जानते हैं इंडियन कल्चर के हिसाब से जी जी कि उनको वर्किंग करने का भी, अपन ने ये नहीं बोला कि जेंट्स को सुबह से लेकर रात तक काम करना है या बिल्कुल उसको हैट्रिक करना है उसको है जी ना करना है, मीन्स हमारे जब भी आता है इंडियन कल्चर में, और अपन अपने बेटे को भी यही सीख देते हैं भाई तू आगे घर जाएगी तो तुझे काम करना है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल अपने संस्कार वैसे ही चलते आ रहे हैं, तो उसको अपन को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड इसके लिए हमने ये चीज़ करी है। जी तो ये जो महिलाएं हैं, अगर ये प्रोग्राम हमारा देख रही है, जो भी इसके साथ जुड़ी हुई है और आगे जुड़ना चाहती है, क्योंकि ये एपिसोड हम हर सैटरडे को 5 बजे, ये करीबन 8 एपिसोड तक का हमने प्लानिंग किया है, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक फेसबुक पे हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाया हुआ है। तो जैसे नॉर्वे इंटीरियर, जो यॉर्वे इंटीरियर्स जो है उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप जाके फीडबैक फॉर्म लेके फॉर्म भी आप उसमें फिलअप करिए, और आपके जो सुझाव है वो हमें अगर आप भेजेंगे तो और भी अच्छी तरह से हम आपको मदद रूप हो सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो ये सब बात थी कलई किचन की, लेकिन कलई किचन सीरीज के अंदर और क्या-क्या आने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रीति जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि किचन क्या है? जी
किचन क्या है, जैसे कि किचन अपने, जैसे कि मैं कहूँगी एक रूम है किचन, जी किचन इज अ रूम जिसमें, जहाँ पे है ना लोग अपना, जैसे कोई कोई, जैसे अपन फॉरेन कल्चर करते हैं तो अपनी वॉशिंग मशीन्स इन्वॉल्व रहती है, तो क्लीनिंग पर्पस यूटेंसिल्स के लिए रहते हैं, अपने कुक स्टोर एंड प्रिजर्व रेफ्रिजरेटर रहता है अपना, तो ये दिस अ कॉमन आंसर जिसने आप लोग ने सबने बोला है हमको कि जी पाकशाला है, कुकिंग फूड है, हार्ट ऑफ द किचन है, मीन्स हार्ट ऑफ द हाउस है, तो जी काफ़ी इस तरह से किचन तो हमारे के, मैं कह रही हूँ एक तरह से मल्टीपर्पज़ रूम कहूँगी मैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ रूम कहूँगी क्योंकि इधर अपन यूटिलिटी एरिया से भी अपना है ना मीन्स जुड़ा हुआ रहता है, जैसे जी किचन में अपन सामान लेकर आते हैं, फिर स्टोर रूम जी में अपन रखते हैं, फिर बिल्कुल दूसरा पार्ट हो गया, फिर अपन है ना बिल्कुल खाना वाना परोसते हैं, थर्ड अपने बिल्कुल डाइनिंग में जाते हैं, दैट इज़ अ एक साइकिल होती है बिल्कुल अपने किचन से रिलेटेड, तो ये अपने सही है, आप लोग जैसे कि हार्ट ऑफ द मीन्स बोलते हैं हाउस, ये चीज़ है, तो लेकिन अपने कितने चीज़ों में डिवाइडेड कर चुके हैं, कैसे अपनी साइकिल जा रही है, व्हेन वी आर कमिंग इनसाइड विद सम मटेरियल्स, जी प्रिजर्विंग इट, क्लीनिंग इट, देन अगेन वी आर कुकिंग इट, देन वी आर सर्विंग इट, फिर यूटेंसिल्स आते हैं, वापस से वी आर वॉशिंग इट, एंड देन वी आर अगेन वी आर कीपिंग इट, जी तो जी ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहती है, बिल्कुल तो दिस इज़ द किचन फॉर्म। अब इसके लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, एक किचन और डाइनिंग नहीं रहा है, ये जी सब जगह फैल गया है, आई कैन से कि एक हाउस एक किचन बन के रह गया है, जी क्योंकि किचन में है ना अपने बना रहे हैं, बेडरूम में सर्व हो रहा है, ड्राइंग रूम जी में सर्व हो रहा है, बिकॉज एंटरटेनमेंट चैनल्स चल रही है वहाँ पे सर्विंग हो रहा है, तो अपन किचन किसको बोलेंगे, ये भी मेरे लिए भी प्रश्न हो गया है बिल्कुल सही कि बात आज है, के बिल्कुल जनरेशन है, अभी फ्रेंड्स लोग आए हैं तो मुझे बेडरूम में ही खाना है मेरे बिल्कुल तो हर एक क्राइटेरिया जैसे अपने भी हैं, अपन भी जी सब लोग ने अलग अलग चीज़ें बना रखी, किसी ने जैसे जैसे पुराने ज़माने में था कि जी एक ही जगह पे अपन बैठ के जहाँ पे बनता था वहीं पे परोसा जाता था, जी तो आज मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है, सो समवेयर रसोई घर से रस चला गया है बिल्कुल एंड किचन किट बन के रह गया है, तो बिल्कुल सही दैट बात इज है के अपने को ये चीज़ अपने एलिब्रेट कर सकते हैं कि अपने आगे सब चीज़ें अपन देखेंगे, इसके अंदर बातें होंगी, सो जी दिस इज़ द किचन, अपना जी पूरा हाउस वी आर हैविंग अ किचन। जी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज के अभी के जो रसोई घर है, किचन बोलते हैं हम, उनसे आप कितनी खुश है? एज आप इंटीरियर डिजाइनर है, क्योंकि आप बहुत जगह पे काम करती है, बहुत जगह पे आप डिजाइनिंग भी करती होगी कि अपने किसी मतलब किचन वगैरह, तो आप कितने खुश हैं इससे? मैं बोलूँगी तो मैं एकदम खुश नहीं हूँ क्योंकि जी अभी जैसे बहुत सारे सवाल में से ऐसे हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो उसके अंदर मेरे को काफ़ी जनों ने पूछा कि हमको क्लीनिंग करना अच्छा नहीं लगता, हम बिल्कुल लोग काम तो कर लेते हैं सुबह से लेकर रात तक लेकिन क्लीनिंग करना नहीं अच्छा लगता, मैंने कहा उसका भी हम लोग उपाय करेंगे, लेकिन क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपन बिल्कुल कुछ बड़े पार्ट से अपन छोटे तक ला सकते हैं, वो अपन आगे की सीरीज में मैं बताएंगी, बिल्कुल अभी अपने ये डिस्कस कर रहे हैं कि अपने है ना मिस क्लीनिंग और ये सब को ध्यान में रखते हुए जी जो किचन अपन डिजाइन्स कर रहे हैं, जी जैसे मैंने अभी लॉकडाउन में जो फेस किया था वो आपके साथ छोटा सा शेयर करूँगी बिल्कुल कि मेरे को है ना मिस क्लीनिंग का समय सुबह से लेकर रात तक आप देख रहे थे मेड्स भी नहीं अलाउड थी, अभी तो मेड्स जी तक के अपने है हाँ ना जी बिल्कुल बिल्कुल डेली अपनों को प्रैक्टिस थी, अभी जी तब जाके ड्रॉबैक्स याद आते हैं, इसलिए जी मैंने ये सोचा कि ये एक चीज़ अपने डिस्कस कर सकते हैं, इसके बिल्कुल अंदर अपने है ना आ रहे मॉर्निंग में जी पानी भी है ना पीने में, सब जेंट्स लोग भी उसी टाइम पर थे, तो चाय कॉफ़ी आप समझ सकते कितने टाइम बनती होगी, जी जी बिल्कुल और हर टाइम नहीं, ये सुबह से आप जो लेकर रात शेयर करी तक, वो अभी जो पीरियड हुआ मतलब लॉकडाउन हुआ और जो कोरोना का जो चल रहा है उसी के बीच में जो सभी लोग घर में थे, तो तभी जो माहौल हुआ वो आप हमारे साथ शायद शेयर कर रही है। बिल्कुल हाँ जी तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमें मॉर्निंग टू नाइट, तो एक तो चार टाइम की जगह 5-6 बार भी बन जी रहा है, जी जी क्योंकि बिल्कुल एक्चुअली खाली बैठे हुए आदमी को भी क्या चाहिए कि जी समटाइम जब जी थोड़ा जी टाइम हुआ चलो मतलब अभी कर जितना लेते मतलब ज्यादा खाना भी बना, ज्यादा खाया भी, और मतलब नई नई वैरायटीज भी लोगों ने सीखी किचन के अंदर, ऐसा भी हाँ बोल सकते हो। और अभी तक तो महिलाएं किचन में काम कर रही थी, लेकिन मैंने तो काफी सारे लोगों का हाँ ऐसा भी अभी देखा है जेंट्स लोग कि ने भी काफी जेंट्स लोगों ने इन्वॉल्व भी है, काम करना शुरू किया, और वो भी काम करके सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे थे कि आज मैंने हाँ ये बनाया, आज बनाया, मैंने ये बनाया, तो इवन ये माय बहुत हस्बैंड आल्सो डन दिस जी थिंग तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कुछ नया सीखने को इस लॉकडाउन के जरिए सबको मिला।
जी बताइए। तो फिर उसके अंदर क्या है कि आपने ना क्लीनिंग भी खुद करी है, वॉशिंग भी खुद की है, प्लस आपने जी मेंटेन भी अपने घर को किया है, और जी फिर आपको कुकिंग करना है। तो समटाइम्स रात तक क्या हो रहा था कि फ्रस्ट्रेशंस हो जा रहे थे, कि क्योंकि आप अकेले काम करते हो। इधर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके अपने है ना कल्चर आप अगर फॉलो कर रहे हो, अगर के इंडियन वुमेन्स, अपन के मैं इंडियन का टैग हटा दूँ, आप वेस्टर्न कल्चर आप कर रहे हो फॉलो, तो फिर जी उसके हिसाब से मुझे वेस्टर्नाइज भी बनना पड़ेगा। वो बिल्कुल किस तरह से के डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सब काम। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस इज़ द स्मॉल थिंग मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि ये अपने का जो काम कर रहे हैं, जो सुबह से लेकर रात तक एक लेडीज करती है, तो अगर क्या अगर वो ही कर रही है तो उसके हिसाब से होना चाहिए सब चीज़ें, बिल्कुल और वो बिल्कुल नहीं कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, तो इट्स ओके। जो भी आप जो कर रहे हो अभी जैसे है वैसे इट्स द बेस्ट, आई कैन जी से दैट। बिल्कुल लेकिन मैं अपने ऊपर लूंगी, फॉर मी इट इज़ नॉट बेस्ट, बिकॉज बिल्कुल आई वॉन्ट टू सिट। कि जब भी आप कभी बैठते हैं ना, तो आपके मुंह से एक आवाज़ आती है, हाइश रिलैक्स्ड। बिल्कुल और मैं बिल्कुल जब तक खड़ी रहूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खड़ी रहूंगी, 3-4 घंटे, क्योंकि एक 20 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद एक मेंटल बैलेंस अपना हिलने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है अपने आपकी को एक सिटिंग चाहिए, एक अपने को बिल्कुल वापस स्टैंडिंग चाहिए। आप ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते, ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह सकते, इट शुड बी बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बात थी कलर किचन सीरीज की। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे भी बहुत कुछ आपको इस सीरीज के जरिए आपको जानने को मिलेगा। लेकिन आपको हमारे साथ हर सैटरडे 5 बजे फेसबुक लाइव पे आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन प्रीति जी लास्ट में कहना चाहूँगी कि ये आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और थोड़ी सी हमने थोड़ी सी बातें बताई है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ और हमें लोगों को बताना है, महिलाओं को बताना है कि आप किचन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप अपना किचन को हेल्थी कैसे रखेंगे और अपने आप को फिट कैसे रखेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो ये है, लेकिन मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है कि किचन की जब बात आती है तो पहले के ज़माने में जो भी महिलाएं किचन में काम कर रही थी उनको कभी, मैंने सुना नहीं है कि उनको कभी कोई मतलब हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम रही हो। पर आजकल जो भी महिलाएं किचन में काम करती है तो उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है कि कई को नी पेन हो जाता है, कभी को किसी को कमर दर्द हो जाता है, ज़्यादातर खड़े रहने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नीचे बैठ नहीं सकता है। तो ये सब है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने सर्वे फॉर्म में भी डाला है, और जी 80 नहीं 99% हम लोग को जवाब मिला है कि यस, कि हमारे एल्डर्स हमारे से ज़्यादा फिट है। और जी 1-2% ही ऐसे जवाब आए हैं मेरे पास कि नहीं, कि जी तो मैं ये उसके लिए बोलूँगी। तो आपने कभी रीज़न ढूंढने की कोशिश करी कि हमारे एल्डर्स क्यों फिट है, बिल्कुल कि बिल्कुल हमने उनके पीछे क्या चीज़ ऐसी छुपी है उनके अंदर, कि उन्होंने क्या चीज़ है, कि खाना तो हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन बिल्कुल जो उनका वर्किंग स्टाइल था इसके बिल्कुल ऊपर अपने बोलते हैं कि जो है ना पहले के जो ज़माने में जैसे था, इसीलिए वापस से बोल रही हूँ कि बिल्कुल बैठ के साथ में खाना, नीचे बैठ के बनाना, जी तो उनकी उठ बैठ करने की उनकी वो हमेशा उनके चालू रहती थी रूटीन्स, बिल्कुल कि एक बिल्कुल सामान निकाल रहे हैं फिर बैठ के पका रहे हैं, तो उनको वो बिल्कुल ऑबेसिटी भी, कभी आपने देखा है गांव की लेडीज को या कोई को भी जिसकी ऑबेसिटी बढ़ी हुई हो, मोटी हो, जिसके बिल्कुल तो वो मैं लोग ना सारी चक्की दिन उनका कितना सारा काम रहता है। आजकल तो कितनी सारी मशीन्स आ गई है, जी आपको जी कपड़े धोने के लिए मशीन्स है, इवन बर्तन के लिए मशीन्स हैं, आपके आटे के लिए मशीन है, रेडीमेड जी आने लगा है, जी तो देर आर और सबको सेवरल इंस्टेंट थिंग्स। ज़्यादा चाहिए हाँ, तो अभी की इंस्टेंट आ गया है, तो जनरेशन फिर भी जी आप अपने किचन में थोड़ा सा पना मिस नहीं करेगा, आप जिम के लिए टाइम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँगी 2 मिनट आप बैठ के उठो, तो इट इज़ आपको हेडेक लगेगा कि नहीं, लेकिन आप सर्वाइकल पेन के लिए फिजियो करवा लेंगे, आप बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आपको नेचुरल कोई बोलेगा, जैसे वेस्टर्न वाले अपना कल्चर अपना रहे हैं, यानी कि दे आर डूइंग योगा, दे आर स्टार्टेड योगा, फिर जी आयुर्वेदा भी उन लोग ने स्टार्ट कर दिया कि मेडिसिन केमिकल्स को है ना मिस हमारे शरीर को बिगाड़ रही है। तो उसके हिसाब से अपने को भी वो चीज़ जो एंशियंट है, जो अपने बुजुर्ग कर चुके हैं, जी तो दे आर राइट, वो कहीं ना जी कहीं सही थे, और उन्होंने जो किया था उठने बैठने वाला जो उन्होंने प्रयोग किया था, उससे जी ना वो मोटे हुए ना उनको कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। 8-8, 9-9 बच्चे भी होते थे तब भी दे आर फिट, जी 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 और तब भी बोलोगे ना मिस
कपड़े धोने बाहर लेकर जाते थे, वहां से लेकर आते थे, यूटेंसिल्स के लिए भी बाहर एक कॉर्नर बना रखा था। लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो पुराने जमाने की, मतलब जो हम बोल सकते कि किसी सदी से पहले की जो वुमन्स थी वो आज भी फिट है। तो उसका कई ऐसे रीजंस है जो वो आज फिट है और अभी की जो जनरेशन है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो उसी के लिए ही हम सॉल्यूशन ही लाने के लिए ही हमने ये सीरीज शुरू की है। तो ज़्यादा अगर आपको जानना है तो ज़रूर हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़िएगा। लेकिन फिलहाल हम यही ब्रेक तो नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड को हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी ज़्यादा आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जुड़ना है तो ज़रूर आप हमारा संपर्क कीजिएगा। हम आपको ये एक सर्वे फॉर्म की लिंक भेजेंगे, तो वो आप उस पर वो फॉर्म्स आप भेज के आपके सुझाव भी उसमें डाल सकते हैं। और फेसबुक पेज जो है एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड का, वो आप ज़रूर लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकॉन क्लिक करिए और हमारी वेबसाइट भी विजिट करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। और लास्ट में हमारे जो सपोर्टेड है एट लास्ट किचन एंड कोर वैल्यू और फर्नीचर, दोनों का दिल से मैं वापस आभारी हूँ। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, तो ऐसे ही हम लोगों की मदद करते रहेंगे। तो प्रीति जी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।